आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा, फार्म डी बेटर रहेगा या फिर बी फार्म बेटर रहेगा। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स, मैसेजेस, कॉल्स पे ये क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हमें बी फार्म के साइड जाना चाहिए, इंडिया में करियर स्कोप किस में ज़्यादा है, बी फार्म में ज़्यादा है या फिर फार्म डी में ज़्यादा है। देखिए, फार्म डी क्या है, एक डॉक्टरेट कोर्स है, बी फार्म क्या है, ग्रेजुएट कोर्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आपका बजट सही है तो आप फार्म डी के साइड जाना सोच, अगर आपका बजट थोड़ा लो है और आपको लगता है कि फार्मेसी प्रोफेशन में जाना है और एक मीडियम हमें कोर्स करना है तो आप बी फार्म के साइड जाएंगे और डी फार्म डी के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। क्लियर हो रहा है? लेकिन मैं आज आपको करियर स्कोप बताऊंगी कि करियर स्कोप किसके ज्यादा है, जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकें, आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स अगर होंगे तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फार्म डी के साइड जाना चाहिए इन इंडिया या फिर आपको बी फार्म के साइड जाना चाहिए। ओके, तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे कि आप सब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, बी फार्म वर्सेस फार्म डी, विच इज बेटर, बेटर कौन सा है, हमें यही आज देखना है कि इसमें से बेटर कौन सा है। देखिए, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसलिए मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज पार्ट वन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बी फार्म के बारे में बताऊंगी, सबसे पहले तो फार्मेसी के बारे में बताऊंगी। फार्मेसी डिग्री ऑफर आ चांस टू एक्सप्लोर ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़। फार्मेसी की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिसमें कि आपको बहुत सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आपको एक्सप्लोर कर देती है ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ के साइड। सेकेंड है, द प्रोग्राम ऑफर्ड अंडर दिस डिसिप्लिन हैव वॉल्यूमनाइज स्कोप ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि जितने भी डिसिप्लिन, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस या फिर जितने भी इसमें स्कोप हैं, उतने अगर हम दूसरे फील्ड से कंपेयर करें तो नहीं है। थर्ड है, अनदर ग्रेट एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद दिस अकेडमिक फील्ड इज द वाइड एरी ऑफ डिग्रीज एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। यहाँ पे इसने बोला है कि बहुत सारे ऐसे अकेडमिक फील्ड है जहाँ से आप डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर सकते हैं, फार्मेसी के डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर सकते हैं, परेशानी नहीं होती है, कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना होता है। इफ अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी नहीं देना होता है एडमिशन के लिए। क्लियर हो रहा है? उसके बाद बात करें हम बी फार्मेसी की, बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में पहले कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, होता क्या है, करियर स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। क्लियर? तो बी फार्म क्या है, अगर हम बात करें अबाउट द डिग्री, अबाउट द बी फार्म डिग्री, बैचलर ऑफ फार्मेसी इज अ 4 ईयर फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम। देखिए, ये 4 साल का कैसा फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, प्राइवेट इसमें कुछ भी नहीं होता है। बी फार्म कैसे होती है, रेगुलर बेसिस पे ही होती है। एक्सपोज द कैंडिडेट टू एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। क्या बताएं, यहाँ पे बी फार्म के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली हो या फिर थ्योरेटिकल हो, कि आप किस तरीके से ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम भी पढ़ाया जाता है और कैसे टेस्टिंग होती है मेडिसिन की, मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद द होल डिग्री प्रोग्राम इज ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड क्लासरूम सेशंस, द कंक्लूजन ऑफ विच विल मेक स्टूडेंट कॉम्पोनेंट इनफ टू वर्क इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। क्या बोला गया है कि 4 साल में आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के थ्रू या फिर क्लासरूम में जो आपकी क्लासेस होती हैं, थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं, उनके थ्रू आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाता है। किसके लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया जाता है इन 4 साल में। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई बी फार्म में एडमिशन के लिए। सो यहाँ पे 10+2 मतलब 12th पास आउट होना कंपलसरी है और कौन कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये आपके कंपलसरी हैं, उसके बाद अगर एडिशनल में थर्ड सब्जेक्ट मैथ होगा, बायोलॉजी होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा या फिर कंप्यूटर साइंसेज होगा, है ना। और मेनली क्या होता है, बायोलॉजी और मैथ्स, मैथमेटिक्स ही होता है मेन। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से भी अगर कोई आपके पास है, PCM और PCB दोनों ही स्टूडेंट ये कर सकते हैं। अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तो भी कर सकता है फार्मेसी, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है तो भी कर सकता है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में या फिर बोल सकते हैं
किसी भी मेडिसिन वाले फील्ड में यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि मैथ्स वाला बंदा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बन सकता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग हेड बन सकता है, बी फार्म करने के बाद फार्मासिस्ट तो बन ही जाओगे, ड्रग रेगुलेटरी इंचार्ज बन सकते हो, उसके बाद मेडिकल अंडर बन सकते हो, होलसेलर या फिर प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, उसके बाद रिसर्चर बन सकते हो, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर भी। हमारे चैनल बीएसपी फार्मेसी जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मेरा वीडियो आ गया है पूरा, 40 से 45 मिनट का वो वीडियो है जिसमें कि उन्होंने आपको सारी चीजें बताई हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, एवरीथिंग। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, छापा जो लगता है मतलब रेड वगैरह जो डलती है वो कैसे डलती है, सारी चीजें बताई हैं, जाके विजिट करें। लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फटाफट बीएसपी फार्मेसी जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1 नवंबर से वहां आपके लिए लाइव क्लासेस भी चलने वाली है, तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं आप पीछे ना रह जाए। ओके, उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी फार्मडी। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट, यहाँ पे फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का हमें कंप्लीट ओवरव्यू देखना है। तो ये आपने देखा करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है बी फार्म करने के बाद, जो मेन है, मेन मेन मैंने बताई है। वैसे तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव भी है ना, आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं यहाँ पे, वैसे होलसेलर का बताया है लेकिन रिटेल भी खोल सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टार्टअप भी कर सकते हो, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का भी स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिक हैं और जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी मैंने डाली हुई है। उसके बाद है अबाउट द डिग्री ऑफ, किसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, हमें पढ़ना है फार्म डी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, द डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल डिग्री दैट इज ऑफ 6 ईयर ड्यूरेशन। जो आपकी डॉक्टरेट फार्मेसी है, सबसे पहले तो ये डॉक्टरेट है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन नहीं है, डॉक्टरेट लेवल की डिग्री है। इसमें क्या होगा, आपका 6 साल का ड्यूरेशन होगा, द फर्स्ट 5 ईयर आर डेडिकेटेड टू थियोरिटिकल लर्निंग फॉलोअड बाय द इंटर्नशिप ईयर। इंटर्नशिप ईयर जो है आपका, उससे पहले यहाँ पे थियोरिटिकल ईयर होंगे 5, उसके बाद प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दिस डिग्री एंड बी फार्म इज दैट विद अ फार्म डी कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू सर्व इन द हेल्थ केयर सेक्टर एंड वर्क इन क्लोज अप्रॉक्सीमेटली विद द पेशेंट। कहने का मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये एक डॉक्टरेट डिग्री है, वो एक ग्रेजुएट डिग्री है। जो डॉक्टरेट डिग्री है, मतलब इसके नाम के सामने तो डॉक्टर लग ही गया, साथ ही साथ ये हॉस्पिटल में भी, जो फार्मडी वाला बंदा है वो हॉस्पिटल में जाकर डायरेक्टली पेशेंट का इलाज कर सकता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकता है पेशेंट के। वहीं पर अगर एक बी फार्म वाला बंदा है तो वो डायरेक्टली पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकता, ना ही वो इलाज कर सकता है, ना ही वो कोई मेडिसिन जो हैं, अगर कोई ओवर द काउंटर ड्रग है तो दे सकता है, लेकिन अगर ऐसी ड्रग नहीं है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो कुछ भी नहीं बता सकता है, ना ही कोई इलाज कर सकता है पेशेंट का। लेकिन वहीं पे फार्मडी वाला बंदा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आके पेशेंट के उसका इलाज भी कर सकता है। उसके बाद है दे कैन वर्क एज फार्मासिस्ट इन कंपनीज एज वेल, बट ऑल्सो कैन टेक अप जॉब इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। देखिए, जो फार्मडी वाला बंदा है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो काम कर ही सकता है, साथ ही साथ इसका काम सेम एज डॉक्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, डॉक्टर से कम भी नहीं होता है। फार्मडी वाला बंदा इजीली डॉक्टर, जो पेशेंट है उसका इलाज कर सकता है, डॉक्टर के कंसल्टेंट के साथ, मतलब कंसल्ट के साथ एज अ डॉक्टर से बात करके वो सारा इलाज पेशेंट का कर सकता है। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर सेंटर्स में ही फार्मडी वाले बंदे अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर वो खुद भी वहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर वहीं पे अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया मेन। अब एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं फार्मडी की, वो क्या है, जिसने 10+2 मतलब 12th पास आउट किया हुआ है वो कर सकता है। कम से कम इसमें 60% चाहिए, वहां पे आपके अगर 54% भी है तो चल जाएगा बी फार्म के लिए। यहां पे कम से कम 60% फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है, इनके अलावा किसी भी सब्जेक्ट से आप फार्मडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से फार्मडी और बी फार्म का कंप्लीट आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है।
बाकी जो देखिए यहाँ पे फार्म डी की करियर अपॉर्चुनिटीज है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट मतलब किसी भी क्लिनिक में जाके वहाँ पे आप एज अ फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर बन सकते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट इंचार्ज बन सकते हैं, ड्रग एक्सपर्ट बन सकते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, और न्यूट्री टियोनोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे स्कोप आपके लिए हैं अगर आप फार्म डी करते हैं। और बी फार्म करने के बाद क्या करियर स्कोप थे सिंपली, वो भी मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है जो चीज़ें आप बी फार्म करके कर सकते हैं वो चीज़ आप डी फार्म डी करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप बी फार्म करने के बाद कर सकते हैं वो आप मतलब जो चीज़ें आप फार्म डी के बाद कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड करवा जा सकते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल का जो ये यहाँ पे दिया हुआ है फार्मासिस्ट इंचार्ज बन सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल है जो कि आप बी फार्म करने के बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फार्म डी वाला बंदा जो आपने बी फार्म के बाद कर रहे हैं वो कर सकता है, इजीली कुछ भी कर सकता है। फार्मेसी फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं बचता है डॉक्टरेट डिग्री के बाद कि भाई वो किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल ना हो, हर जगह हर चीज़ के लिए एलिजिबल होगा फार्म डी वाला बंदा। तो करियर स्कोप तो इसमें बहुत सारे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी ही, लेकिन अभी हमारी एप्लीकेशन पे डेली 4 क्लासेस हो रही हैं बी फार्म फर्स्ट और थर्ड सेम की। घर पे नोट्स आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किए जा रहे हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। एक बार जाइए, विजिट जरूर कीजिए मेरे कहने से, डेमोज देखिए, उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट टीचर्स, बहुत ही परफेक्ट कंटेंट के साथ, लाइव क्लास के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। हर सैटरडे टेस्ट हो रहा है, कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है एग्जामिनेशन की। तो एक बार जाके विजिट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करे अपने CUET B Farm का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।